तो दोस्तों अगर खुद जो आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं जो विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है दोस्तों, अगर वही कह दे कि आपके जो प्राइवेट डाटा है हम इंस्टाग्राम फेसबुक पर मैं व्हाट्सअप जो आपका डाटा है वह शेयर करूँगा, तो दोस्तों आप सोच सकते हैं हम क्या कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, क्या आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं या फिर सिग्नल ऐप यूज कर रहे हैं या फिर टेलीग्राम एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं? दोस्तों आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसे बातें क्यों कर रहा हूं? दोस्तों बात करने वाली ऐसे हम समय आ ही गया है, क्योंकि दोस्तों व्हाट्सएप ने जो अपना नया पॉलिसी लॉन्च किया है दोस्तों, इन सबको देखते हुए दोस्तों हमें यह कदम उठाना ही पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों जो व्हाट्सएप ने नया पॉलिसी लॉन्च किया है कि दोस्तों उसने कहा है कि आपका जो प्राइवेट डेटा है वो हमारे पास हम सेव कर कर रखेंगे, तो दोस्तों सबको सुनते ही जितने भी सारे उसके यूजर हैं उन सब में एक डर पैदा हो गया। क्योंकि दोस्तों कोई भी इंसान अगर अपनी सिक्योरिटी के तौर पर आपके जैसे खासकर इस समय देखा जाए जो ऑनलाइन हम कुछ भी यूज करते हैं, एप्लीकेशन हो गया या फिर साइट हो गया, दोस्तों हमारे सबसे प्राइवेट चीज़ होती है कि हमारा डेटा। दोस्तों अगर गलती से हमारा डेटा जो है लीक हो जाता है दोस्तों, आप मतलब गेस कर सकते हैं कि हमारा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों अगर खुद जो आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं जो विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है दोस्तों, अगर वही कह दे कि आपके जो प्राइवेट डाटा है हम इंस्टाग्राम फेसबुक पर मैं व्हाट्सअप जो आपका डाटा है वह शेयर करूँगा, तो दोस्तों आप सोच सकते हैं हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों आप यह भी सोच सकते हैं कि जो कंपनी हमें प्राइवेसी नहीं दे सकती, सिक्योरिटी नहीं दे सकती हमारे डेटा के तहत, तो दोस्तों हम उस कंपनी का एप्लीकेशन हम यूज आखिर क्यों करें? क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ होती है प्राइवेसी और सिक्योरिटी। अगर कंपनी हमें सिक्योरिटी ना दे दोस्तों हमारे, तो हम हमारे डेटा जो लीक होने का हमेशा डर बना रहेगा, तो हम उस कंपनी का वो एप्लीकेशन यूज क्यों करें? दोस्तों अभी कुछ दिन पहले एक सर्वे निकला था जिसमें यह क्वेश्चन किया गया था कि क्या आप व्हाट्सएप को यूज करेंगे, दूसरा क्वेश्चन मतलब दूसरा ऑप्शन था कि आप व्हाट्सएप जारी रखेंगे। तो दोस्तों जो 83% है उन्होंने कहा है कि दोस्तों आप सोच नहीं सकते, 80% जो लोग उन्होंने कहा कि हम व्हाट्सएप को यूज नहीं करेंगे और व्हाट्सएप को हम अपना जो अकाउंट है उसे डिलीट करके हम किसी अदर प्लेटफॉर्म पर चले जाएंगे, और लगभग 70% जो लोगों ने कहा कि हम व्हाट्सएप को अभी फिलहाल में जारी रखेंगे। तो दोस्तों जैसे ही दोस्तों व्हाट्सएप ने हमारा नया प्राइवेसी लॉन्च किया, तो दोस्तों बहुत सारे एप्लीकेशन जैसे कि सिग्नल ऐप हो गया जो कि विश्व के जो अभी कुछ दिनों के लिए एलन मस्क हैं, जो आप तो मालूम होगा टेस्ला के वो मालिक है जो कि स्पेस एक्स के भी मालिक है, उन्होंने ट्विटर लिखा था कि यूज सिग्नल, जैसा कि आप स्क्रीनशॉट पर जैसा कि आप मोबाइल के होम स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों जैसे उन्होंने चैट किया तो दोस्तों या जो कोई जानता तक नहीं था कि एक सिग्नल नाम का कोई प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है, दोस्तों दिन पर दिन उसकी किस्मत बदल गई। पहले हजारों में उसके डाउनलोड थे, अब कुछ दिनों में 10, 50, अब 100 मिलियन के आसपास लगभग होने वाला है। तो दोस्तों आप गेस कर सकते हैं, दोस्तों ये भी सबसे बड़ी चीज़ मायने रखती है कि जो व्हाट्सएप ने जो खोज किया था उसको भी सिग्नल ऐप उसने ही बनाया है। तो दोस्तों आप भी जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उनका पिक्चर्स, ब्रायन एक्टन नाम है उनका जो व्हाट्सएप मतलब बनाया था, उन्होंने भी सिग्नल ऐप को बनाया और उसके CEO हैं। तो दोस्तों आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि जो कंपनी हमें अगर सिक्योरिटी प्राइवेसी न दे सके हम उसका एप्लीकेशन आखिर यूज करेंगे कि नहीं करेंगे। दोस्तों मैं तो कभी नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी इंसान के लिए सबसे उसके ज़्यादा जरूरी होता है सिक्योरिटी और प्राइवेसी, खासकर उसके प्राइवेट डाटा के लिए। तो दोस्तों इन सर्वे के खिलाफ आप किसे वोट देना चाहते हैं? क्या आप व्हाट्सएप को यूज करना चाहते हैं या फिर आप व्हाट्सएप को स्विच करके सिग्नल या टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाना चाहते हैं, क्या फिर आप व्हाट्सएप को जारी रखना चाहते हैं? आप हमें भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो दोस्तों ये रही आज की इस वीडियो में, बस थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो पसंद है वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों अगर चैनल पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों कर क्या रहे हैं, जय जल्दी चले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना है, दोस्तों मिलते हैं अगले नए और अलग से और इंप्रेसिव वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, हर हर महादेव।